हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम वापस आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ जिसका नाम है फॉल। ये 2022 में रिलीज हुई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते वीडियो की तरफ। इस मूवी के शुरुआत में हम बेकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि माउंटेन पे क्लाइंब कर रही होती है। उसके साथ उसका हस्बैंड डेनियल भी होता है और दोनों की शादी भी कुछ दिन पहले हुई होती है। इन दोनों को ही ट्रैकिंग का बहुत शौक होता है। बेकी के साथ उसका दोस्त हंटर भी होता है। जब डैनियल ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे सामने एक चिड़िया का घोंसला दिखता है। जब वो उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के उड़ जाती है, जिससे डैनियल घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसका हाथ चट्टान से छूट जाता है और वो हवा में लटक जाता है। बेकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों नहीं कर पाते हैं। डैनियल भी बहुत कोशिश करता है कि चट्टान को वापस से पकड़ पाए पर वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इस घटना के 51 वीक्स के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हम बेकी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होती है अपने लाइफ में, क्योंकि वो डैनियल को आज भी मिस करती है और बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने उसकी अस्थियों को भी अपने पास रखा था। तभी हम वहाँ पर हंटर को देखते हैं जो कि बेकी से मिलने आई हुई होती है। वो बेकी की बेस्ट फ्रेंड होती है तो उसका बुरा हाल जान के वो उससे मिलने आई थी, जहाँ उसे पता चलता है बेकी ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। अपनी पास्ट को भुलाने के लिए एंड चढ़ाई के डर से बाहर आने के लिए हंटर उसे फिर से एक टावर पे क्लाइंबिंग के लिए बोलती है। वो उसका फोटो भी बेकी को दिखाती है। हम देखते हैं कि ये एक टीवी टावर है जो कि काफी ऊंचा है एंड एक सुनसान एरिया में है, जिसके आसपास लोग बहुत कम ही आते हैं। इस 2000 फीट के पुराने टावर के बारे में जान के बेकी मना कर देती है क्लाइंबिंग के लिए, पर हंटर उसे मना लेती है ये कह के कि इस टावर के ऊपर चढ़ के तुम डैनियल के राग को उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और तुम भी अपने डर से काबू पाओगे। अब ये दोनों उस सुनसान रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते जहाँ पर वो टावर था। लोकेशन में जाते वक्त ये दोनों इंस्टाग्राम वीडियोस एंड टिकटॉक बना रहे होते हैं एंड अपलोड भी कर देते हैं। वो लोग टावर के ठीक सामने पहुँच जाते हैं एंड उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये टावर बहुत ज्यादा पुराना था, साथ ही साथ बहुत ऊंचा था। इन दोनों ने इससे पहले इससे ऊंची चढ़ाई कभी नहीं की है। दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, साथ ही साथ एक्साइटेड भी होते हैं। ये दोनों टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी ज्यादा डरी हुई होती है तो वो हंटर के पीछे पीछे चढ़ती है, क्योंकि ये टावर बहुत ज्यादा पुराना था तो जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो इसकी आवाज भी इन्हें आ रही थी। जब ये लोग 1000 फीट तक चढ़ जाते हैं, मतलब आधे टावर, तब वहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही होती है। ये लोग और ऊपर चढ़ने लगते हैं, तभी बेकी नीचे की तरफ देखने लगती है और नीचे की गहराई देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि डैनियल के मौत के बाद से उसने कोई भी क्लाइंबिंग नहीं की थी। ये लोग ऑलमोस्ट टॉप तक पहुँचने वाले होते हैं, तभी बेकी जिस सीढ़ी पर पैर रखती है उसमें से एक स्क्रू निकल के नीचे गिर जाता है, पर इन दोनों को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। ये दोनों टावर के एकदम शिखर पे पहुंच जाते हैं, फिर आसपास के नजारे को एंजॉय करने लगते हैं। 2000 फीट की ऊंचाई से उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। इतने टाइम के बाद सक्सेसफुली चढ़ाई करके बेकी को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। ये दोनों सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, फोटोज भी क्लिक करते हैं। इन दोनों के पास एक ड्रोन होता है जिसके मदद से ये दोनों अपने लोकेशन की वीडियो बनाते हैं। जब इन दोनों ने पहली पोस्ट की थी तभी से इनकी पोस्ट की रीच काफी अच्छी होती है एंड वो सब वायरल होने लगता है, जिससे हंटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड टावर की चोटी पे लटक जाती है। फिर बेकी को उसका फोटो खींचने को कहती है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद वो बेकी को भी अपने जैसा करने को कहती है, तो बेकी भी उसकी बात मान जाती है एंड वैसा ही करती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर बेकी डैनियल के राग को वहाँ से उड़ा देती है। इससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल तो हो जाते हैं पर अंदर ही अंदर इन्हें बहुत सुकून मिलती है। यहीं से बेकी न्यू लाइफ के लिए भी मूव ऑन का सोचती है। ये दोनों टावर से नीचे जाने की तैयारी करते हैं, फिर बेकी वहाँ से नीचे उतरने लगती है, पर जहाँ से सीढ़ी का स्क्रू निकल गया था वहीं से वो टूट जाता है एंड रस्सी के कारण बेकी हवा में लटक जाती है। हंटर उसे तुरंत ऊपर खींच लेती है, पर ये सब के कारण बेकी का बैग गिर जाता है जिसके अंदर इन दोनों के खाने पीने का सामान था। वो बैग गिर के नीचे डिश पर लटक जाती है। सीढ़ी टूट जाने के कारण ये लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तभी ये दोनों हेल्प के लिए अपने मोबाइल को चेक करते हैं, पर उतनी ऊंचाई में नेटवर्क कवरेज नहीं आता। अभी ये दोनों समझ जाते हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये लोग फंस चुके हैं। टावर रेगिस्तान के बीच में होने के कारण आसपास कोई लोग भी नहीं थे, और अगर आसपास कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनको कोई नहीं सुन सकते। उसी टावर के ऊपर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन एंड दूरबीन था। अब क्योंकि वो दिन का टाइम था तो वो लोग फ्लेयर गन को यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि दिन के टाइम फ्लेयर गन की रोशनी नहीं दिखती है। वो लोग दूरबीन से देखने लगते तो दूर पे
उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि इन लोगों से हेल्प कैसे मांगे। हंटर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने लगती है तो वो देखती है जब ये दोनों टावर के नीचे थे तब की सारी पोस्ट अपलोड हो चुकी है, जिससे उन्हें समझ आता है कि टावर के नीचे नेटवर्क कवरेज है। हंटर तुरंत अपने मोबाइल में हेल्प के लिए एक मैसेज लिखती है, फिर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है ताकि वो मैसेज सक्सेसफुली अपलोड हो पाए एंड लोग उनके मदद के लिए आए। इसके लिए वो उस फोन को एक रस्सी से बांध के टावर से नीचे लटका देती है, पर काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी वो मैसेज पोस्ट नहीं होता तो हंटर खुद ही थोड़ा सा नीचे लटक जाती है, जिससे वो फोन थोड़ा और नीचे तक पहुंच पाए। पर यहाँ भी ये दोनों नाकामयाब रहते हैं। हंटर फोन को नीचे तक पहुंचाने का एक और प्लानिंग बनाती है। वो फोन को अपने सॉक्स के अंदर डाल के फिर उसे अपने एक जूते में डाल देती है ताकि वो फोन टूटे ना एंड पोस्ट भी अपलोड हो जाए। फिर उस जूते को वो टावर से नीचे गिरा देती है। इसके कुछ देर बाद जब ये दोनों नीचे दूरबीन से देखने लगते हैं तब इन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है और उसके साथ उसका एक डॉगी भी होता है। उसे देख ये दोनों चिल्लाने लगते हैं पर इन दोनों की आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। तभी हंटर हेल्प के लिए अपनी एक और चप्पल को नीचे फेंक देती है। क्योंकि वो आदमी कॉल पर होता है तो वो उसे नहीं देख पाता, पर थोड़ी ही देर बाद उस आदमी को वो चप्पल दिखता है, जिसे देख उसे लगता है शायद ये पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है। बैग की मदद के लिए फ्लेयर गन को चलाने जाती है तो हंटर तुरंत उसे रोक लेती है और वो उसे समझाती है कि दिन के लाइट में फ्लेयर गन की रोशनी नहीं दिखेगी सो हमें अंधेरा होने तक रुकना पड़ेगा। जैसे ही रात होती है तो वो दोनों फ्लेयर गन को चला देती है, फिर अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट को ऑन करके हेल्प मांगती है। हमने पहले उसी रेगिस्तान में जो आरवी कार देखा था उसमें कुछ लोग वहाँ पर कैंपिंग करने आए थे। दो लोग उस फ्लेयर गन को देख लेते हैं तो वो दूरबीन से टावर के ऊपर देखने लगते हैं। अब क्योंकि वो टावर बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, ऊपर से रात का टाइम था तो उन्हें कुछ भी क्लियरली वहाँ पर नहीं दिखता। हेल्प करे बिना ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, साथ में इन दोनों के कार को भी खाली पड़ा देख के लेके भाग जाते हैं। ये देखिए दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। खाना पानी कुछ भी नहीं था इनके साथ, साथ ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं तो वो दोनों टावर के ऊपर बैठ के ही सो जाते हैं। कम जगह के कारण नींद में हंटर नीचे गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी बेकी को हंटर के पैर में एक टैटू दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 143 एंड ये आई लव यू का कोड लैंग्वेज होता है। बेकी को याद आता है कि जब भी वो अपने पति डैनियल को आई लव यू बोलती थी तो डैनियल हमेशा जवाब में उसे 143 कहता था, जिससे बेकी समझ जाती है कि उसके हस्बैंड डैनियल एंड उसके बेस्ट फ्रेंड हंटर के बीच में कोई रिलेशन है। जब वो हंटर को इसके बारे में पूछती है तो हंटर भी अपने अफेयर्स के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। हंटर उससे इसके लिए माफी भी मांगती है पर बेकी उससे बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। बेकी नीचे डिश पर गिरी हुई अपने बैग को देख रही होती है जिसके अंदर उसका ड्रोन एंड खाना भी था, तो हंटर उस बैग को लाने के लिए खुद को एक रस्सी के साथ बांध के नीचे लटक जाती है। वो डिश के पास तक पहुंच जाती है पर फिर भी बैग उससे थोड़ा दूर था। वो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग होती है तो वो उस रस्सी को खोल के डिश पर जंप लगा देती है। उसे बैग तो मिल जाता है पर वापस चढ़ने के लिए रस्सी काफी दूर हो जाता है। वो अपने बैग से सेल्फी स्टिक निकाल के उसके मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है, फिर खुद भी जंप मार के रस्सी को पकड़ लेती है। वो उससे चढ़कर ऊपर आने लगती है पर हंटर के हाथ जख्मी होने के कारण रस्सी उससे एकदम से छूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। बेकी ये देखकर बहुत डर जाती है एंड रोने लगती है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा और झुक के नीचे देखती है तो वो देखती है कि हंटर अभी भी जिंदा है एंड रस्सी को पकड़ी हुई है। बेकी उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। अब मदद के लिए बेकी अपने ड्रोन को यूज करती है। वो एक कागज में लिख देती है कि वो लोग टावर के ऊपर फंसे हुए हैं और उन्हें मदद चाहिए। फिर वो उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स करके ड्रोन को चालू करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ड्रोन में बैटरी लो है तो वो ड्रोन को वापस बुला लेती है। ऐसे ही फिर एक और रात हो जाती है। जब बेकी रात को सो रही होती है तब उसे टावर के ऊपर एक लाइट दिखती है, जिसे देख के वो सोचती है कि उस लाइट के पावर से वो अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती है। वो बहुत ही मुश्किल से टावर के ऊपर चढ़ती है फिर ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करती है। जब तक वो ड्रोन फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ लटकी हुई होती है। फिर वो नीचे आके वापस से उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स करके ड्रोन को उड़ा देते हैं। वो ड्रोन को दूर पर दिख रही एक घर की तरफ उड़ा देते हैं ताकि कोई उस पे लिखी मैसेज को पढ़ के उन्हें बचाने आए। ड्रोन उस घर तक पहुँचने वाला होता है कि एक गाड़ी से टकरा जाता है जो कि इनका लास्ट होप था। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो एक और दिन सर्वाइव कर पाए ऐसे हालत में भी नहीं थी। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो हंटर को कहती है कि तुम अपना दूसरा शो दो ताकि मैं मेरे मोबाइल से डैड को एक मैसेज डाल के नीचे फेंक पाऊँ, शायद इस बार नीचे
नेटवर्क आ जाए जिससे कि मेरे डैड को मैसेज मिले एंड वो यहाँ पर हमें बचाने आए। पर इस बार हंटर उसे मना कर देती है। तभी बैकी को एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं एंड वो हंटर को हेलुसिनेट कर रही थी। वो नीचे डिस्क की तरफ देखती है तो उसे हंटर की बॉडी दिखती है जिससे उसे याद आता है कि जब हंटर बैग को लेने के लिए नीचे गई थी तब सच्ची में उसके हाथ से रस्सी फिसल गई थी एंड इसके ऊपर गिर के उसकी मौत हो गई थी। वो हंटर की डेड बॉडी को देख के रो रही थी जिसे एक परिंदा खा रहा था। बैकी अब समझने लगी थी कि वो भी जिंदा नहीं रह सकती ऐसे, तो वो एक आखिरी होप के साथ अपने पापा को एक मैसेज लिखती है, पर वो मैसेज सेंड नहीं होता। वो वहीं पर थक हार के सो जाती है। ऐसे ही एक और रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है एक परिंदा उसके घाव को खा रहा है। वो उस परिंदे को पकड़ के मार देती है फिर उसका कच्चा मांस खा जाती है क्योंकि इतने टाइम से वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। खाने के कारण उसके बॉडी को भी थोड़ा सा ताकत मिलती है। दूसरी ओर उसके डैड भी अपने बेटी के लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो काफी दिनों से बैकी के कॉन्टेक्ट में नहीं थे। वो अपने बेटी के बारे में पता लगाना चालू करते हैं। दूसरी ओर बैकी भी अपने अंदर हिम्मत जुटाती है। रस्सी की मदद से वो डिश तक पहुँचती है जहाँ पर हंटर का बॉडी था। फिर वो हंटर के शूज के अंदर अपने मोबाइल को डाल देती है जिसमें कि उसने अपने पापा के लिए मैसेज लिखा है। फिर शू को वो हंटर के कपड़े के अंदर अच्छे से फिक्स कर देती है ताकि इस बार फोन नीचे गिरे तो वो टूटे ना एंड उसके डैड तक वो मैसेज जाए। वो हंटर के बॉडी को सॉरी बोल के उसे नीचे धक्का दे देती है। कुछ घंटों बाद बैकी के डैड उसी लोकेशन पर आते हैं जहाँ पर वो टावर के सामने एक डेड बॉडी को देखते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी रेस्क्यू टीम आ गई होती है पर डेड बॉडी ढका होने के कारण उसके पापा को लगता है कि शायद बैकी अब जिंदा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं क्योंकि वो बैकी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर तभी पीछे से बैकी उनको आवाज देती है जो कि एकदम ठीक थी एंड डॉक्टर्स के साथ थी। उसके डैड उसे देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उसे एकदम से गले लगा लेते हैं क्योंकि बैकी ने एंड तक भी हार नहीं मानी थी तो वो आज इतने मुश्किलों का सामना करके जीत जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ये एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4/10। होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।